फ्लावर्स अब इनको हमने डाल दिया है शॉपर के अंदर के गाड़ी ना गंदी करे, के गाड़ी गंदी ना हो। चलें जी ठाओ ठाओ मामा, वे त्रावे लैन वार मरे पे हो। नहीं मरते मामा, खाएं मामा पीछे करे मामा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तो सभी के लिए यही दुआएं हैं कि सब जो हैं वो गमों से दूर रहें और खुशियों के पास पास रहें, और मेरे व्लॉग्स देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। हालांकि तुम लोग नहीं करते, बड़े तुम लोग चीज़ हो, मैं क्या कहूँ अब। ये जी आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि चेरी के नवे तो नवे, बकरे तो बकरे कम हैं। और यहाँ पे मैं एक जमा कर रही हूँ जी दरेक के पत्ते। अब बहुत से जो शहरी लोग हैं, जाट लोग नहीं हैं, जो वो पूछेंगे दरेक क्या होती है, तो ये दरेक जो है ना ये एक ट्री होता है और इसके इस तरह के पत्ते होते हैं। देख लो खुद कैसे जैसे भी है, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। और जी ये मैंने सुबह सवेरा खलार दिया सारा, पत्ते मैंने मंगवाए हैं। किस लिए मंगवाए हैं ये हम आपको बाद में बताएँगे अभी। हाँ जी, तो व्यूवर्स हमने सुबह सवेरे ढेरों ढेर काम कर लिए थे क्योंकि हमने ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करनी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में हो रहा था फंक्शन 6 सितंबर का। आप जल्दी से मुझे बताएं 6 सितंबर को क्या हुआ था। अच्छा मैं वैसे कितना तेज़ बोलती हूँ और मैं कितना अजीबोगरीब बोलती हूँ। खैर हम फब शुक गए और हमने अपनी घड़ी भी बहा ली क्योंकि इट्स नेसेसरी। जी व्यूवर्स ये है जी हमारे मुगड़े जो हमने खरीदे हैं। ये दूसरा मुगड़ा है, इसको हम कटाई के लिए भेज रहे हैं, कटाई के लिए भेज रहे हैं मामा, और ये कटाई करवा के आ जाएंगे। मतलब हम भेज मुर्गे रहे हैं लेकिन आएंगे गोश्त की शक्ल में। ये जी कंट्री साइड चिकन है, देसी मुर्गा, मुर्गा किसी ने नहीं पता तो मैं दास दें, देसी मुर्गा ये। मामा ये उड़ जाएगा? नहीं उड़ता, ऐसे कह रही है जैसे ये बाल कटिंग करवाने जा रहे हैं। ये कटिंग करवा के ना आ जाएंगे अपने आप। मामा आप उसको चपेड़े मार रही हैं। तेज़। ये स्कूल में जा रहे पढ़ाई, ये पढ़ाई करने जा रहे हैं मामा। इनका बैग किधर है? ये देखो ये बैग ही है इनका। अच्छा बेचारे मुर्गे उगड़े। वैसे इंसान भी कितना जालम है, हाय कि बेचारे जानदार को खा जाते हैं। अल्लाह ने इंसानों के लिए ही पैदा किया। मुझे इतना डर लग रहा है ना इनकी चोंचों से। ये नाजरीन आप देख सकते हैं इनकी चोंचे। अच्छा से जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस को देसी मुर्गा पसंद है खाने में और किस किस ने खाया हुआ है, किस किस ने चखा भी नहीं है। तो जी बेसिकली कहानी सारी ये है कि हमारे घर में कोई बंदा इतना वेला है ही नहीं कि जो अब इनकी कटाई कर सके। तो क्योंकि भाई अकरम जो है हमारे जो मतलब इस तरह के सारे काम करते हैं, ये हमें को शो के देते हैं मुर्गे, वो बिजी हैं। तो जी हुआ ये कि फिर हम झट से पहुंच गए स्कूल। स्कूल जाते ही जी हमने ढेरों ढेर काम करने थे। हमने क्या करना था कि सबसे पहले स्टैंड जो है ना वो बर्ड ला कर रखना था और वो सारा कुछ मतलब रेडी शेडी करना था। और ये हैं जी वो पत्ते जिनके पत्तों को सुबह सुबह मैं तोड़ रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे पत्तों को क्या करने वाली हूँ। तो इससे हमने बनाया एक मोर्चा, लग रहा है मोर्चा। एनीवेज फिर जी सारा दिन हमने अब स्कूल में काम किया और फिर जी हमारी गेट पे ड्यूटी थी और फिर ड्यूटी करने के बाद फिर हमने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं। फिर हम पहुंच गए जी घर। घर आके जी हमारी हालत वैसे ही ख़राब है, आप सबको पता है कि टॉन्सल्स हुए हुए हैं और बड़ा बुखार शुखार रहता है, बड़ी तबीयत हमारी ख़राब शराब रहती है। क्या करें, किसी की नज़र लग गई है। ऐसा केड़ा बंदा सी कसम जिनमें नज़र लाती है यार, तेनों रब दा वास्ता ना अपनी नज़र वापस ला जा। एनीवेज फिर हम गए थे जी LCS पे, हमने ये दो पार्सल उठाने थे। फिर हमने LCS वाले आपको नहीं दिखाए क्योंकि यार आप लोग इतनी दफ़ा देख चुके हैं, इतनी दफ़ा देख चुके हैं कि मैं लगता है हम लोगों ने जुतियाँ मारनी है कि चेहरी LCS ना जाई, LCS ना वहाँ जानू, हमने बहुत देख लिया। एनीवेज ये है जी हमारा क्यूट सा प्यारा से एयरपॉड्स हैं जो कि हमें मतलब किसी ने भेजे हैं, गिफ्ट किए हैं, क्यों बताऊँ। अच्छा जी ये जी हमारे प्यारे प्यारे एयरपॉड्स हैं जिनको हम खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे वो खुल नहीं रहे थे। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने भी कभी नोट किया होगा लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आप तो ज़रूर नोट कीजिएगा, वो ये है कि जब भी हम अपने एयरपॉड्स को निकालते हैं ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे ना सिगरेट डब्बी में जैसे सिगरेट काट रहे हैं तो करने लगे स्मोकिंग है ना, ऐसे फील होता है कि नहीं होता। खैर पहले नहीं होता था लेकिन अब एक दफ़ा फील करके देखना, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोगों ने सुधरना कब है, ठीक है। तुम लोग सुधर नहीं रहे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो ना।
यहाँ पे तो वैसे वो वाला जो क्लिप है ना, फनी क्लिप होना चाहिए था। एनीवेज ये है जी ब्लू ब्लू, कोई चीज़ देखना क्या चीज़ है ये ब्लू ब्लू। ये बेसिकली क्या होता था कि जी हम जब अली को नहलाते थे तो अली के फेस पे मुंह पे जब पानी पड़ता था तो वो नाक के ज़रिए पानी अंदर ले जाता था, जिसकी वजह से उसको फ्लू हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को हमने कैसे क्रैक किया कि मैंने जल्दी से दराज पे गई, मैंने ऑर्डर किया और ये जो है ना एक कैप है जिस जो हम बच्चों के सर पर डाल लेते हैं और फिर पानी जो होता है उनके फेस पर नहीं जाता। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो।